भाई देखो पुरोंगू मालूम है, हैदराबाद में एक ऐसा स्पॉट जो सिर्फ खाने के लिए जाना जाता वो है टोली चौकी। टोली चौकी बहुत बड़ा है भाई। देखो शेख पेट भी है, पैरामाउंट कॉलोनी भी है, सेवन टोम्स रोड भी है और बहुत सारे चीजें हैं भाई। एक वीडियो का पार्ट में अपन पूरे चीना कवर नहीं कर सकते, लेकिन जो मैं आज कवर कर सकता हूँ ना वो कवर करूंगा। लखनऊ कबाब, पत्थर का गोश्त, चीजी चिकन बर्गर, मलाई कबाब, चिकन 65, अपोलो फिश, जबरदस्त समोसे, चाय, मोमोस। मैं हूं खुर्शीद, वेलकम टू चैनल भुक्का नवाब। आज अपन लोग ये स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलिए अपन अपनी खींच शुरू करते हैं। भाई सबसे पहला स्पॉट जो अपना है, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीट स्टॉल जो बोलते हैं, मेरे को 65 जहाँ का पसंद है, अपोलो फिश जहाँ का पसंद है, 100 रुपए में आपको बेहतरीन देते सनराइज केटरर्स की तरफ से। लोकेशन आगे पीछे होते थे लेकिन अभी यही रहने वाली है ना भाई, यही रहने वाली है। तो कशिश के एकदम बादुक है, जबरदस्त है, खाके देखेंगे अपन क्या मसला है। ये जो 65 है भाई, इतना सॉसी, इतना वेट, मतलब आप देख के ही समझ जा सकते कितना हाईली फ्लेवरफुल है कलर से। और अब जबान पे उतार के देखता हूँ मैं। चलिए भाई बिस्मिल्लाह। वाकई मतलब एकदम फ्लेवरफुल स्पाइसी है और वो चटपटापना है, क्योंकि खटास तो रहती है 65 में। दही डालते, विगनर डालते और करिया पक और हरी मिर्ची, हाँ साथ में इनकी जो ये पराठा है ना, ये जो वर्की पराठा, हैदराबादी पराठा, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, ऐसा अच्छा नरम पराठा क्रिस्पी करके उसको फिर क्रंच करते, वो क्रंच करने के बाद उन्हें और मुलायम हो जाता भाई, गरम गरम रहता, बहुत पसंद। इतना है इनके पास, सीटिंग का क्या है थोड़ा इशू है, ऑन द स्ट्रीट है तो ऑब्वियसली स्ट्रीट पे आपको क्या है ये बाजू कुर्सियां डाल के खिला देते हैं, लेकिन जो टेस्ट है ना, इसीलिए इधर से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का टेस्ट बहुत पसंद। नेक्स्ट इनका अपोलो फिश भी मेरे को बहुत पसंद, क्योंकि ये भी क्या है मालूम, एकदम वेटिश टाइप रहता, ग्रेवीश टाइप रहता, लेकिन ड्राई रहता, समझिए, बहुत जबरदस्त दिखता, इसीलिए ये अपोलो फिश लिए अपन, को बिस्मिल्लाह बोले और खा लिया। हाईली फ्लेवरफुल है वो ग्रेवी, क्योंकि इसके ऊपर उन्होंने चिली फ्लेक्स डाले और मसाला जो भी डाले उन्होंने अपने, आहा जबान पे उतर के बोल रही की भाई खुर्शीद इसको बोलते देख मसाला, क्योंकि 65 क्या है अच्छा फ्लेवरफुल था लेकिन स्पाइसी नहीं था। ये है देखो स्पाइसी, चिली फ्लेक्स डाले, मिर्ची डाले, क्या क्या डाले नहीं मालूम। पहले अपोलो फिश को अच्छी तरीके से तल दिए, वो तल देने की वजह से उन्हें क्रिस्पी हो गए। क्रिस्पी फिश को उन्होंने क्या करे, कढ़ाई में डाल के पूरी वो ग्रेवी बनाए, बहुत प्यारा है ये दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इस जगह का स्ट्रीट फूड ट्राई कर रहे हैं तो कैसा भी यहाँ से शुरू करो। ये हो गया, नेक्स्ट क्या है वो देखेंगे अपन। चलिए नेक्स्ट स्टॉप में आपको ये जबरदस्त चीजी चिकन बर्गर खिलाने लाया हूँ, वो भी साउंड चीजी पे, नाम में चीजी है तो सोच लो बर्गर भी चीजी रहता ही रहता। एग्जैक्ट इसका क्या है मालूम, लोकेशन इंपीरियल रेस्टोरेंट के एकदम ऑपोजिट, ये एक फूड ट्रक है जहाँ पे सऊदी जो बोलते हैं ना कि भाई बाहर गल्फ के मिडिल ईस्ट के जो बर्गर्स रहते वो यहाँ पे मिलते, बहुत पहले से खाते हुए आए अपन। अब बिस्मिल्लाह बोल के अपन ये वाला करेंगे, आह क्या लजीज दिखने में, तो मुँह में पानी आ रहा ब्रो। चलिए भाई पैटी के अंदर क्या है मालूम, बेहतरीन चीज है, चिकन की पैटी है, मिन्स पैटी, और ऊपर से क्या करें अच्छा खासा टोस्ट कर दिया अपने बन को, जिसकी वजह से क्या है क्रिस्पी टेक्सचर पकड़ लिया उन्हें, और फिर सॉसेस लगाए तो वो सॉसेस टमाटोस पिकल्स, जबरदस्त चीजी चिकन की पैटी। अभी क्या होना भाई, इसको बोलते देखो लाजवाब बर्गर। कैसा भी आप अगर टोली चौकी के रोड पे फिर रहे और आपको बर्गर खाना है वो भी जबरदस्त वाला, तो साउंड चीजी पे आ जाना। ये क्या है मालूम, स्ट्रीट स्टॉल से फूड कार्ट है, तो इन लोगों के टाइमिंग्स कैसे रहते हैं मालूम, 7:30 से लेकर 11 बजे तक, या इवन उसके ऊपर भी रखते, डिपेंड करता कब तक उनका स्टॉक अवेलेबल है। साउंड चीजी की भी टाइमिंग क्या है मालूम, 7:30 बजे रात के देखिए 11 बजे तक, या जब तक उन का फूड स्टॉक अवेलेबल रहता। चलिए भाई ये हो गया, नेक्स्ट देखिए भाई। ये जो समोसा है ना, बड़े का समोसा है, अंदर जो फीलिंग है, जो बेहतरीन फीलिंग है, वो खाने वो दिखाने लाया हूँ मैं आपको रहमत होटल, जो कि एकदम रोमान होटल के बाजू की छे। टोली चौकी का स्ट्रीट फूड कवर कर रहे तो मैं बोला ये एक छुपा रुस्तम आइटम है, मेरे को मालूम, मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इसको बिस्मिल्लाह बोल के अपन खा लेंगे। वाकई जो अंदर मटन है, जो कीमा है, जो बड़े का कीमा है, इतना जबरदस्त है, फ्लेवरफुल है। मैं मिर्च मसाला खाने वाला आदमी हूँ लेकिन मिर्च मसाला नहीं है उसमें, जो भी है कम माइल्ड स्पाइसेस है, लेकिन वाकई जबान पे उतर के बोल रहा है कि भाई ये बहुत मजेदार चीज है। क्रिस्पी था बाहर से समोसा और अंदर से वो लजीज फीलिंग। 11:30 से अवेलेबल है, मैं तो रात में आ रहा हूँ, आप सुबह सुबह आके खा लिए तो फ्रेश फ्रेश मिलता। इधर की चाय भी क्या है बहुत बेहतरीन है, रोमान से तो बेटर दिखती मेरे को, इसीलिए क्या है अपन ये चाय दिखाने भी लाया आपको। चलिए भाई बिस्मिल्लाह बोल के चाय पियेंगे। ये सर्दियों के दिनों में ऐसी बेहतरीन ईरानी चाय रही तो क्या होता, दिल को खुशी मिलती, बहुत बेहतरीन है। मेरा दोस्त किस्मत को क्या है मालूम, नींद में से उठा के लब्बर की चप्पल डाल ले गए, उठा के ला लिया था, मेरे को बिठा के खिलाया, खुर्शीद तो इतना खा लेते हुए फिरता, ये भी खा के देख कैसा है बोले, तो मैं खा के देखा, वाकई पसंद आया, इसलिए आपको दिखाया ये। अब नेक्स्ट क्या है वो देखेंगे अपन। चलिए भाई नेक्स्ट स्पॉट जो है ये लजीज लखनऊ कबाब खिलाने लाया हूँ मैं। एक तो पत्थर का गोश्त है जो कि नवाबों का शौक है,
क्योंकि पतली धार वाले जो बकरे के पीसेस रहते उसको पत्थर पे पकाते, नरम पकते, गरम पकते, और साथ में मलाई कबाब। अब मलाई कबाब क्या है मालूम, यहाँ पे लवड़ा दिख रहा, क्यों? क्योंकि शिमला मिर्च और प्याज दोनों को भी क्या है, गरम गरम तवे पे सॉटे कर दिए वैसा दिख रहा। चलो भाई बिस्मिल्लाह बोल के पहले क्या करेंगे, अपन बकरी के गोश्त से शुरू करेंगे जो कि पत्थर का गोश्त है। ये लिए बिस्मिल्लाह। इन्हें हाथ में पकड़ा कब, मुंह में गया कब, जबान पे उतरा कब, घुल गया कब, समझ में नहीं आ रहा। इतना मुलायम और नरम है, वाकई बहुत बेहतरीन तरीके से पका है इसको, और मैरिनेशन भी बहुत प्यारा है। नमक मिर्च मसाले क्या है, अदरक लहसुन लगा के आगे पीछे कर दे सकते, फ्लेवर्स आप आगे पीछे कर दे सकते। क्या चीज जो है सबसे इम्पोर्टेंट पत्थर के गोश्त में, वो उसका टेक्सचर रहता। वो टेक्सचर अगर नरम मुलायम नहीं रहा तो फिर मेरे को पसंद नहीं आता, लेकिन यहाँ पे ऐसा छिया तो टूट गया, जबान पे कितनी आसानी से घुल गया। आप खाली सोच लो, क्योंकि स्क्रीन पे रह गया आप खाली सोच सकते, मैं यहाँ पे देख के खा के एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। चलो भाई ये जबरदस्त था। नेक्स्ट मलाई कबाब। अच्छा ये बोलना चाहूंगा कि भाई यहाँ पे शुरुआत क्या है मालूम, ये स्ट्रीट स्टॉल है, एक फूड कार्ट है, कबाबा मिलते हैं लखनऊ कबाब बोल के, 6 बजे से शुरू होता 11 बजे तक अवेलेबल है। इन्हों क्या करें मालूम, 2-3 साइड में अच्छे खासे एक टेबलां डाल दिए जिसकी वजह से आप उसमें बैठ के आराम से खा ले सकते हैं। स्ट्रीट स्टॉल है लेकिन बैठने का भी इंतजाम है। चलिए भाई बिस्मिल्लाह बोल के मलाई कबाब ऐसा लिए, ये मलाई कबाब गया मुंह में, बिस्मिल्लाह। ये भी बहुत प्यारा चस्के पीसा थे और कबाब था जूसी अंदर से नरम वो भी है, लेकिन मलाई कबाब के ऊपर के फ्लेवर्स मेरे को बहुत अच्छे दिखे। स्ट्रीट पे क्या है मालूम, आपको ऐसे ही दिखता, सीकड़ी पे वो लोग बनाते, बना के गया आपको 220 रुपीज में मलाई कबाब है, 250 रुपीज में आपको बेहतरीन पत्थर का गोश्त है। दोनों नरम है, गरम है, दिमाग को, दिल को और आपकी जबान को, तीनों को खुश कर दिए वैसा है। कैसा भी अगर आप टोली चौकी का स्ट्रीट फूड कर रहे तो ये वाली जगह तो जरूर विजिट करिए। ये हो गया, नेक्स्ट क्या है अपन वो देखेंगे। ये गरम गरम फ्राइड मोमोज मैं आपको खिलाने नेक्स्ट लेके आया हूँ, पिस्ता हाउस के एकदम बाजू नवाबी चाय पे। अब नवाबी चाय पे क्या है, चाय तो मिलती ही मिलती, साथ में ये लजीज मोमोज भी मिलते। मोमोज क्या है बोले तो फूड कैंप के है, फ्राइड है, अंदर की फिलिंग में तोड़ के देख लिया लाजवाब है। यहाँ पे लाल चटनी और मायनीज भी दे दिए। अपन पहले क्या करेंगे, ये क्रिस्पी मोमोज को लाल चटनी में दबा के डुबा लेंगे और बिस्मिल्लाह बोल के खा लेंगे। बेहतरीन है, अंदर की फीलिंग तो लाजवाब है, टेस्ट में भी एकदम हाई क्वालिटी। चटनी क्या है मालूम, स्पाइसी है, मतलब वो पतली वाली नहीं है, अच्छी जबरदस्त क्वालिटी वाली है। क्या करता हूँ मैं इसको मायनीज के साथ ऐसा लगाऊंगा, विवा का मायनीज दिख रहा है, इन्होंने बनाते विवा का होगा, विवा का है तो अच्छी हाई क्वालिटी का ही रहता। ये लिए बिस्मिल्लाह। 95 रुपीज का ही है, प्राइसिंग वर्सेस जो वैल्यू फॉर मनी जो क्वालिटी दे रहे हैं ना, टू गुड है, नेक्स्ट लेवल है। इनके पास एक मटका चाय भी मिलती जो कि जाफरानी चाय है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं लेट आया, लेट आने की वजह से इनके पास मटके खत्म हो गए। अपन लेकिन दिखाना जरूरी है बोल के क्या है, पेपर के कप में ले लेंगे। चलिए, जब जगह का नाम नवाबी चाय है तो यहाँ पे नवाबी शौखा जरूर रहते जो कि जाफरानी चाय। चलिए भाई बिस्मिल्लाह बोल के पीएंगे। ऊपर से इसको क्या करे, जाफरान के स्ट्रैंड्स डाले जिसकी वजह से क्या है, वो जो जाफरानी फ्लेवर बोलते नहीं वो आ रहा। 30 रुपीज की है, बहुत अच्छी है, ये भी आप क्या है ट्राई करो। नेक्स्ट क्या है अपन वो देखेंगे। चलिए भाई देखो, हैदराबाद में टोली चौकी इतना बड़ा है कि अगर अपन वीडियोस बनाने बैठे ना 10 पार्ट्स बन जाते, क्योंकि शेखपेट भी आता, सोवन टोम्स भी आता, पैरामाउंट कॉलोनी भी आता, फिर टोली चौकी इटसेल्फ आता। मैं क्या कह रहा, टोली चौकी पे क्या है, अगर वो मेन रोड पे जितने भी जगह हैं मेरे को पसंद है और मालूम है, वो चीज़ें दिखाना था दिखा दिया। मैं मिठे के लिए एक्सक्लूसिव पॉश जगह है, लेकिन मेरे को जो बहुत पसंद है वो ये दिल्ली की मशहूर कुल्फी। आपको भी क्या है, पहले आज से 10 साल पहले ये बंडिया बहुत दिखते थे, अब जरा कमिश दिख रहे, लेकिन मेरे को जिधर भी दिखते हैं मैं वहाँ की मलाई कुल्फी जरूर खाता हूँ। ये ले लिया अपन एक मलाई कुल्फी, बिस्मिल्लाह बोल के। आहा, कोई जबरदस्ती के नखरे नहीं है इसमें, वही मलाई का फ्लेवर है, वही कुल्फी की मिठास है। क्या होना आपको, आई एम श्योर अगर आप अपना पूरा ये जो स्ट्रीट फूड टोली चौकी का कवर कर रहे हैं एंड इससे जरूर कीजिए, आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया। मेरा काम तो खाना पीना फिरना है, समझ रहा। आपको भी अगर ऐसे जगह मालूम है कहाँ पे भी कौन सी भी लोकेलिटी के हिडन ये जगह कवर करो, ये लोकेशन कवर करो, तो जरा कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं तो इंसान ही छू ना भाई, जितने जगह मेरे को मालूम है वो तो बताते जा रहा हूँ। तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और चलता हूँ मैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खाओ पियो ऐश करो मेरे भाइयों, टाटा बाय बाय।